नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स। और आज फिर मैं सिक्स का एक लेसन लेकर के आया हूँ, बेसिक के ही, जो हमारे बेसिक के स्कूल के बच्चों के लिए सिक्स क्लास में लगी हुई है बुक, उस बुक से मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। और ये लेसन टू है, लेसन वन मैंने करा दिया है, बहुत अच्छे से आपको आ भी गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं शेयरिंग एंड केयरिंग, ये लेसन का नाम है। सेकंड लेसन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार लेसन है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो लेकिन लेसन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और इसकी जो बेल है वो भी बजाएं, यानी कि जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही मज़ेदार लेसन है, शुरू करेंगे हम। और थोड़ा सा बस ये ध्यान रहे कि हम जब बच्चों को समझाते हैं, जब बच्चे समझते हैं या बच्चे यूट्यूब से इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको थोड़ा सा प्रेरित करें कि आप यूट्यूब से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। तो शेयरिंग एंड केयरिंग होता क्या है एक्चुअली, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। शेयरिंग और केयरिंग होता है कि जब हम बांटते हैं किसी चीज़ को दूसरों के साथ, हमें बड़ा आनंद आता है। केयरिंग का मतलब होता है हम दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, तो उसमें हमारा अपना भी ध्यान रहता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, अ मैंगो ट्री एंड अ बैनियन ट्री। यानी कि फॉरेस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स जंगल, क्योंकि जंगल में दो मित्र रहते थे। कौन कौन से मित्र थे वो फ्रेंड्स? एक मैंगो ट्री था और एक बैनियन ट्री था। बहुत अच्छी इमेजिनेशन है यहाँ पे, और इस इमेजिनेशन से हमें ये समझाया गया है कि हम आपस में मित्र हैं सभी लोग, और सभी लोग एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करते हैं, और शेयर करके हमें बड़ा आनंद आता है और एक दूसरे की हेल्प भी होती है। तो दोनों मित्र थे, मैंगो ट्री था यानी कि आम का पेड़, और बैनियन ट्री होता है बरगद का पेड़। तो ये दोनों मित्र थे, इसे बैनियन ट्री बोलते हैं फ्रेंड्स। दे टॉक टू ईच अदर एंड एन्जॉयड ऑल डे लॉन्ग। वे एक दूसरे से बात करते रहते थे पूरा दिन। ऑल डे लॉन्ग का मतलब यहाँ पे पूरा दिन से है, और मज़े करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, और बात करते करते ही वो मज़े करते थे फ्रेंड्स। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम। और एक और मज़े की बात है फ्रेंड्स कि एवरी नाइट यानी कि प्रत्येक रात को लायंस और टाइगर्स, जो शेर और चीते होते थे, शेर और चीते, यूज टू स्लीप यानी कि किया करते थे, ये उनकी हैबिट में था, यूज टू स्लीप अंडर दैम, उनके नीचे रोज सोया करते थे, यानी कि शेर और टाइगर उनके नीचे सोया करते थे फ्रेंड्स। ये बात याद रखना कि यूज टू वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर हैबिट यानी कि आदत को दिखाया जाता है, जो काम हम रोज़ करते हैं। तो द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम थी, जो मैंगो ट्री था वो क्या करता था, वो एनिमल से हेट करता था, यानी कि नफरत करता था। आई विल ड्राइव दैम अवे। ड्राइव दैम अवे का मतलब, ड्राइव अवे का मतलब होता है ड्राइव अवे, इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? उनको दूर भगाना, ठीक है। ड्राइव अवे का मतलब होता है दूर भगाना, मैं उनको दूर भगा दूंगा। किसे कह रहा था फ्रेंड्स? वो एनिमल्स को। क्यों कह रहा था ऐसा कि आई विल ड्राइव दैम अवे? दे रोर लाउडली, क्योंकि वो बहुत तेज से चिल्लाते हैं, दहाड़ते हैं। रोर का मतलब होता है दहाड़ना। एंड स्मेल बैड, और बहुत बुरी उनकी जो गंध आती है वो बहुत बुरी होती है। स्मेल बैड का मतलब दुर्गंध आती है उनसे मुझे। ही सैड, उसने कहा। द बैनियन ट्री सैड, बैनियन ट्री ने कहा डोंट बी सो रूड। लेकिन बैनियन ट्री इन बातों को समझता था कि शेयरिंग और केयरिंग क्या होती है, तो उसने कहा डोंट बी रूड यानी कि असभ्य मत बनो। रूड का मतलब होता है असभ्य। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, हम जो पेड़ हैं और जानवर हैं, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता। ईच अदर, एक दूसरे की। वी मस्ट लिव इन हारमनी, हमें तालमेल से रहना चाहिए। हारमनी का मतलब होता है तालमेल, सद्भाव से, यानी कि हमें सद्भाव से एक दूसरे की हेल्प करते हुए रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है फ्रेंड्स? ये याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है। द बैनियन ट्री, बैनियन ट्री ने एक कहा है कि आप असभ्य मत बनो, हम पेड़ और एनिमल को एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है, एक दूसरे की आवश्यकता होती है, हम लोगों को
बिल्कुल सद्भावना से, प्यार से, मोहब्बत से रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, लेकिन मैंगो ट्री जो था वो अपनी बात पर अटल था। रिजिड का मतलब होता है जब हम अपनी बात पर अटल होते हैं, हम मानते नहीं हैं, कठोर हो जाते हैं। रिजिड का मतलब कठोर से लगा लीजिए, जिद्दी से लगा लीजिए, ठीक है। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वो बिल्कुल भी उसे सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसकी बात नहीं सुन रहा था। दैट नाइट वैन द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, और उसी रात जब जानवर उस पेड़ के नीचे सो रहे थे, द मैंगो ट्री शुक इट्स ब्रांचेस एंड मेड लाउड नॉइसेस, तो आम का जो पेड़ था उसने इसकी शाखाएं हिला दी और तेज़ी से आवाज़ की। अब जब उसकी शाखाएं हिलेंगी फ्रेंड्स तो अजीब सी आवाज़ आएगी, तो उन जानवरों को भगाने के लिए उसने वो आवाज़ की थी। अपनी ब्रांचेस का मतलब होता है अपनी शाखाओं को हिला दिया उसने, ठीक है। द एनिमल्स थॉट इट वॉज ए डैमन, अब क्योंकि जानवर भी डरते हैं फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, वो चाहे जितना ख़तरनाक जानवर हो डरता हर एक जानवर है। तो फ्रेंड्स एनिमल्स ने सोचा कि ये तो डैमन है, राक्षस है, एंड रैन अवे, और वो भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, आम का पेड़ को बड़ा मज़ा आया और वो बहुत खुश हुआ, वो हंसा और बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्नता महसूस की। द नेक्स्ट डे इवनिंग, अगले दिन शाम को टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट, अब जैसे को तैसा तो होना ही होता है फ्रेंड्स, तो अगले दिन शाम को क्या हुआ, टू वुड कटर्स का मतलब होता है लकड़हारे, तो दो लकड़हारे उस जंगल में आए। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स, और उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ थी, एक्सेस का मतलब होती है कुल्हाड़ियाँ। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री, उन्होंने बड़े से आम के पेड़ को देखा और उन्होंने सोचा अरे मज़ा आ गया, अब तो इसे काट लेंगे, अब मज़ा आ जाएगा। एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हो गए, उन्होंने बड़े से आम के पेड़ को देखा और बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हुए फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें लकड़ियाँ चाहिए थी, वो उन्हें काट करके अपने घर ले जाते, बेच देते उसको। तो वन ऑफ द वुड कटर्स सैड, उनमें से एक वुड कटर ने कहा, लकड़हारे ने कहा, फ्रेंड लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, देखो ये कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सैड, दूसरे ने कहा, यस एंड देयर इज नो वन हेयर, और यहाँ पर कोई दूसरा है भी नहीं, नीदर मैन और नोर वाइल्ड एनिमल, और न तो यहाँ पर कोई आदमी है और न ही कोई जानवर है। नीदर का मतलब होता है फ्रेंड्स, नीदर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स देख लीजिए आप, थोड़ा सा कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है फ्रेंड्स, तो नीदर का मतलब न तो, और नोर का मतलब न ही। नीदर मैन, इसको नाइदर भी बोलते हैं कुछ लोग, तो नीदर मैन और नोर वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पर न तो कोई आदमी है और न ही कोई जानवर है। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, इसलिए चलो इस पेड़ को नीचे गिरा देते हैं, काट देते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, दे बिगैन टू कट द ट्री, दोनों लकड़हारों ने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। बिगैन टू मैंने पहले भी बताया था फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में कि बिगैन टू का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्टेड, या यहाँ पे हम ऐसे भी सेंस बना सकते हैं, दे स्टार्टेड कटिंग द ट्री, यानी कि उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, अब आम के पेड़ को दर्द हुआ, जब किसी को कोई काटेगा तो दर्द होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर है वो इमेजिनेशन में बना हुआ है चैप्टर है, तो दर्द हर जीव को होता है, तो यहाँ पे पेड़ों को भी एक जीव मान लिया गया है, तो वो पेन से चिल्लाया, दर्द से चिल्लाया, क्राइड आउट का मतलब चिल्लाया। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त की दशा को देख करके, कंडीशन का मतलब होता है दशा, वो देख करके, हिज फ्रेंड द बैनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, जो उसका मित्र था बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, वो भी चिल्लाया हेल्प हेल्प, यानी कि बचाओ बचाओ, जोर जोर से चिल्लाया। हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, और उसकी आवाज़ को जंगली जानवरों ने सुन लिया, और जंगली जानवरों ने जब उसकी आवाज़ को सुन लिया फ्रेंड्स, द वाइल्ड एनिमल्स, दे रश्ड टूअर्ड्स द बैनियन ट्री, और वो बैनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ की तरफ भागे,
ठीक है, भागे ऐसा नहीं कि वो उसको खाने के लिए भागे हो, उसको बचाने के लिए भागे। दे रश्ड टूवर्ड्स द बैनियन ट्री, उन्होंने सोचा कुछ मुसीबत आ गई है, वो इसलिए बचाने के लिए भाग खड़े हुए। व्हेन द वुड कटर्स सॉ द वाइल्ड एनिमल्स, अब आदमी तो सबसे ज़्यादा जानवर से डरता है, ठीक है, जैसे शेर हो गए, चीता हो गए, जो जंगली जानवर हैं इन सभी से डरता है। तो व्हेन द वुड कटर्स सॉ द वाइल्ड एनिमल्स, जब लकड़हारों ने उन जंगली जानवरों को देखा, दे रैन एज फास्ट एज दे कुड, तो वो जितना तेज दौड़ सकते थे वो उतना तेज दौड़े, एज फास्ट एज दे कुड, इसका इसी सेंस में बनेगा फ्रेंड्स कि वो उतना तेज दौड़े जितना वो तेज दौड़ सकते थे। लिविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, अपनी कुल्हाड़ियों को पीछे ही छोड़ दिया, यानी कि अपनी कुल्हाड़ियों को पीछे छोड़ करके वो इतना तेज दौड़े जितना दौड़ सकते थे। फियर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम द आइस, टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम द ट्री ऑफ द मैंगो ट्री। अब मैंगो ट्री को यह एहसास हो गया था कि तूने बहुत ही गलत किया है, जानवरों को अपने नीचे से भगा करके, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, यानी कि आंखों से नीचे लुढ़क रहे थे आंसू, रोल्ड डाउन का मतलब नीचे लुढ़क रहे थे, तो ये इसी सेंस में बनेगा कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ही सैड, उसने कहा, यू वर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यू वर राइट का मतलब तुम बिल्कुल सही थे अपनी जगह। तो माई डियर फ्रेंड्स, मेरे मित्र, वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है जिससे कि हम खुश रह सके और सुरक्षित भी रह सके। तो यही जो फ्रेंड्स, यही बात जो लागू होती है हम आदमियों के ऊपर होती है। आजकल क्या है कि आदमी एक दूसरे को देख करके बहुत ही जलता है, भुनता है, चिढ़ता है, ईर्ष्या करता है, तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प चाहिए हमें, किसी से हमें कुछ लेना होता है, किसी से कुछ खरीदना होता है, किसी को कुछ देना भी होता है, हम चाहते हैं कि हमारा काम कोई दूसरा कर दे, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे से नफरत। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं, तो ये इस चैप्टर को देकर के यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि वी शुड शेयर एंड केयर द थिंग्स विद अदर्स। द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री, जो वाइल्ड जंगली जानवर थे वो आम के पेड़ के पास आए, एंड सैड, और कहा, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न, और ये केवल शेयरिंग और केयरिंग से ही हमारी जो फ्रेंडशिप है वो बढ़ती है, पैदा होती है। शेयरिंग एंड केयरिंग का मतलब एक दूसरे के साथ चीज़ों को बांटना और एक दूसरे की देखभाल करने से ही जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, वो पनपती है। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, कि हमें जानवरों की आवश्यकता होती है और जानवरों को हमारी आवश्यकता होती है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, वी मे फॉल इन ट्रबल, तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। सैड द बैनियन ट्री, बैनियन ट्री ने फिर से कहा यही बात। तो यहाँ पे एक और मैसेज दिया गया है फ्रेंड्स कि हमें क्या करना है, डोंट कट द ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना है, हमें पेड़ों को बचाना है और हमें पेड़ों को लगाना भी है, क्योंकि पेड़ों से हम बहुत चीज़ें प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर लेसन समाप्त हो जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था और मज़ेदार था, और फ्रेंड्स इससे हमने सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं। व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बैनियन ट्री डू ऑल द डे लॉन्ग, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आंसर्स हैं इसके फ्रेंड्स, देख लीजिए, वो सारा दिन क्या करते रहते थे, पहली लाइन में ही ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कि पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एन्जॉयड ऑल डे लॉन्ग, तो यहीं से इसका आंसर्स निकल जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर का आंसर ये नंबर वन है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये निकल जाएगा, ये दो लाइन जो है ये पूरी इसमें आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स ये है, वाई डिड द मैंगो ट्री वॉन्ट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, वो जानवरों को क्यों वहाँ से निकालना चाहता था। तो द मैंगो ट्री वॉन्टेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, क्योंकि वो वहाँ पर दहाड़ते रहते थे और वहाँ पर वो
उनकी दुर्गंध भी आती थी, यानी कि गंध भी आती थी। तो पहले हम क्वेश्चन में से ही ले लेंगे फ्रेंड्स, द मैंगो ट्री वॉन्टेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। उसके बाद हम क्वेश्चंस को यहाँ से इसको छांट के लिख सकते हैं, क्यों वो निकालना चाहता था। दे रोर लाउडली बिकॉज ही सैड दे रोर लाउडली, क्योंकि वो कह रहा था कि ये जो हैं ये दिन भर चिल्लाते रहते हैं। बिकॉज दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक इसका आंसर आ सकता है। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट एडवाइस डिड द बैनियन ट्री गिव टू द मैंगो ट्री। अब मैंगो ट्री ने उसे क्या एडवाइस दी, तो द बैनियन ट्री गेव द एडवाइस टू द मैंगो ट्री, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं द बैनियन ट्री एडवाइस द मैंगो ट्री, द बैनियन ट्री एडवाइस द मैंगो ट्री क्या नॉट टू बी रूड। अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉट टू बी सो रूड बिकॉज वी ट्रीज एंड द एनिमल्स नीड ईच अदर, वी मस्ट लिव इन हारमोनी एंड हेल्प ईच अदर। इस तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ से इसको एज इट इज़ भी लिखवा सकते हैं, नहीं तो जो मैं शीट प्रोवाइड कराऊंगा आपको उसमें से आप देख करके लिख लेना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं अभी नहीं, ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन द बैनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प। क्या हुआ फ्रेंड्स जब जो बैनियन ट्री है वो हेल्प के लिए चिल्लाया, तो वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स आ गए और उन्होंने मैंगो ट्री को बचा लिया। तो फ्रेंड्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि व्हेन द बैनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प द वाइल्ड एनिमल्स केम देयर एंड द वुड कटर्स रैन अवे लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड। इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं फ्रेंड्स, और इसका आंसर यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, कहाँ से हम इसको लिखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ से आएगा फ्रेंड्स। सो लेट्स इसे आगे से है ये फ्रेंड्स, यहीं पे इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन व्हेन द वुड कटर सा द वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ से आएगा, ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स यहाँ से। His voice was heard by the wild animals. They rushed towards the banyan tree. When the animals saw the wild animals, they ran as fast as they could. और यहाँ तक पूरा आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका आंसर भी आ जाएगा। अभी मैं लिख के भी प्रोवाइड कराऊंगा, केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि आप भी क्वेश्चन का आंसर्स देना सीख जाओ। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। अब जो लेसन हमने जो बैनियन ट्री ने लास्ट में जो सेंटेंस बोला था वही इसका लेसन है फ्रेंड्स। तो इसका लेसन क्या है फ्रेंड्स, वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, इफ़ यू डू नॉट हेल्प ईच अदर वी मे फॉल इन ट्रबल। ये पूरा का पूरा इसका लेसन है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आती है ट्रू फॉल्स, बच्चों को तो मैंने करा रखे हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए आप ट्रू फॉल्स क्या है। द बैनियन ट्री वॉन्टेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे, बैनियन ट्री निकालना चाहता था, नहीं ये गलत है, ये मैंगो ट्री निकालना चाहता था। तो देयर वॉज ए डैमन इन द मैंगो ट्री, डैमन था मैंगो ट्री में, नहीं डैमन नहीं था, वो खुद ही डैमन का रोल कर रहा था। टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट, अरे फ्रेंड्स ये भी गलत है, टू फार्मर्स नहीं आए थे वहाँ पे, टू वुड कटर्स आए थे, कौन आए थे, टू वुड कटर्स। तो ये तीनों के तीनों गलत हो गए। अब आप कहेंगे लास्ट वाला तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना होता है फ्रेंड्स, बिना पढ़े हम आंसर्स ना दें। ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, ये बिल्कुल सही है, पेड़ पौधे और जानवर दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनका एक दूसरे के बिना
काम नहीं चलता। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये लेसन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें चैनल को, और चैनल को फ्रेंड्स आप जो है सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बुक वर्क यहाँ पे रह गया था, थोड़ा बुक वर्क भी करा देते हैं। और इस बुक वर्क बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक लेसन का, क्योंकि बुक वर्क में से हम ग्रामर सीखते हैं और हमारी जो वोकैब है वो बुक वर्क से ही हमारी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम, पहले ये देखो इसमें करना क्या है। तो यह चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच मीन सेम एज इन डन फॉर यू। अब ये सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम, जो ऐसी सिचुएशन जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो क्या होती है, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स ट्रबल। और लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर, ये हारमोनी है फ्रेंड्स। बच्चों ने लिखा तो हुआ है लेकिन हो सकता है समझ ना आ रहा हो, हारमोनी लिखेंगे यहाँ पे, हारमोनी ठीक है, तो हारमोनी है। और एनीथिंग डन इन अ हरी, जब हम कोई काम जल्दी में करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स एक वर्ड में, यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको बोलेंगे रश्ड, आर यू एस एच ई डी, रश्ड ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं शोविंग काइंडनेस टू अदर, जब हम दूसरों पर दया करते हैं फ्रेंड्स उसे बोलते हैं केयरिंग, क्या बोलते हैं केयरिंग। और डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल उसे बोलते हैं शेयरिंग, जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच कोई चीज़ विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे शेयरिंग। तो फ्रेंड्स उसके बाद आता है फ्रेम क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो, यहाँ पे हमने क्वेश्चंस बनाने हैं और इनके आंसर्स भी बनाने हैं। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, वॉज द डस्टर ऑन द टेबल, क्या डस्टर टेबल पर था, यस इट वॉज, इसका सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा यस इट वॉज देयर। फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं नो इट वॉजेंट देयर, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा फ्रेंड्स, दूसरा आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स क्या बनेगा, वॉज द ग्लास ऑन द टेबल, क्या ग्लास टेबल पर था, तो इसका भी आंसर बन जाएगा यस इट वॉज देयर, नो इट वॉजेंट देयर, या खाली इट वॉजेंट और यस इट वॉज लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यही इसका आंसर है, ये आंसर ही दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, तो दो क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, अब ये यही तो ग्रामर है फ्रेंड्स, यही तो चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, और ये केवल हमारे पास बुक वर्क से सीख सकते हैं। और बुक जो इसकी बेसिक की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, बहुत ही प्यारी किताबें हैं अगर कोई ढंग से इनको पढ़े और पढ़ाए। तो फ्रेंड्स ये लीजिए यहाँ पर वॉज नहीं आएगा अब यहाँ पे, ये इसके केवल ये दो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स ठीक है, वॉज द बुक्स कभी नहीं हो सकता, ये गलत किया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे आएगा वर द बुक्स ऑन द टेबल, क्या किताबें टेबल पर थी, अब ये प्लूरल में चेंज हो गया क्वेश्चन यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा यस दे वर, या फिर नो दे वरंट, यानी कि नहीं वे नहीं थी। अब उसके बाद फ्रेंड्स आता है क्वेश्चन दूसरा, इसको फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को, वर पेंस ऑन द टेबल, यानी कि क्या पेन जो है वो टेबल पर थे, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड यस दे वर, नो दे वरंट। ये आंसर से मैं दोबारा से बता देता हूँ, बस क्वेश्चन आपको फ्रेम करने हैं, क्वेश्चन जिस तरह से मैंने लाइन खींची है ये इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ तक का क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स। एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन हमारे यहाँ तक तो क्वेश्चन बनेंगे और ये आंसर हैं फ्रेंड्स ठीक है। एक बार और देख लीजिए, इससे ये वाला क्वेश्चन बनेगा, ये वाला क्वेश्चन बनेगा ठीक, और इसका आंसर ये दोनों हो सकते हैं। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन कौन सा बनेगा फ्रेंड्स, दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये बनेगा, ऐसे बनेगा, और इसके भी आंसर ये दोनों हो सकते हैं। तो उसके बाद नीचे वाला आएगा फ्रेंड्स, ये प्लूरल वाला, प्लूरल वाले से ये बनेगा ऐसे और ऐसे, ये क्वेश्चन बनेगा एक फ्रेंड्स यहाँ पर, इसके आंसर अब ये होंगे
ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके फ्रेंड्स। तो एक बार और देख लीजिए फ्रेंड्स, लास्ट का क्वेश्चन है हमारा। लास्ट का क्वेश्चन किससे बनेगा? ये इससे बनेगा, यहाँ पर वर द पेंस ऑन द टेबल। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा और इसके आंसर्स भी ये होंगे फ्रेंड्स। तो अब ये चैप्टर फिनिश हुआ है फ्रेंड्स सही मायने में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।